नमस्कार दोस्तों, डिज़ायर एडमिशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट का जो मॉपअप राउंड है उसमें BAMS एंड BHMS के लिए मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन से कॉलेजेस को परमिशन मिली है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आर्य पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसको मॉपअप के लिए परमिशन मिल गई है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जलगांव, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बारामती, तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज, ASS आयुर्वेदिक कॉलेज नाशिक, इन कॉलेजेस को मॉपअप के लिए परमिशन मिल गई है। उसके बाद भाई साहिब सावंत आयुर्वेदिक कॉलेज सिंधुदुर्ग, श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक कॉलेज अमरावती, RT आयुर्वेदिक कॉलेज अकोला, GS गुणे आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर, विदर्भ आयुर्वेदिक कॉलेज अमरावती, सेठ GS आयुर्वेद कॉलेज सोलापूर, श्री आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, KVTR आयुर्वेदिक कॉलेज धुळे। तो इन कॉलेजेस को भी मॉपअप राउंड के लिए परमिशन मिल गई है पार्टिसिपेट करने के लिए, जो अपना मॉपअप फर्स्ट होने वाला है। उसके बाद वसंतदादा पाटील आयुर्वेदिक कॉलेज सांगली, ये भी एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। SC मुथा आयुर्वेदिक कॉलेज सातारा, KG मित्तल आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई, जो कि एक माइनॉरिटी कॉलेज है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर, श्री अण्णासाहेब डांगे आयुर्वेदिक कॉलेज सांगली, एक टॉप का BAMS कॉलेज है सांगली में, डॉक्टर JJ मखदूम आयुर्वेदिक कॉलेज कोल्हापुर, आइडियल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद पालघर। इस कॉलेज की फीस थोड़ी ज़्यादा है पर कट ऑफ बहुत कम जाता है। लास्ट ईयर ही ओपन हुआ ये आइडियल आयुर्वेदिक कॉलेज पालघर है। CSMSS आयुर्वेदिक कॉलेज औरंगाबाद, औरंगाबाद का कॉलेज एक टॉप प्राइवेट BAMS कॉलेजेस में आता है। अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन हमने अपने जो 24 कॉलेजेस बताए उन कॉलेजेस को अभी तक परमिशन मिल गई है। अभी उसके बाद SVNHT आयुर्वेदिक कॉलेज राहुरी अहमदनगर, PDES आयुर्वेदिक कॉलेज निगड़ी पुणे, उसके बाद जो यशवंत आयुर्वेदिक कॉलेज कोल्हापुर जो कि कडोली में है, SNKDT आयुर्वेदिक कॉलेज वसई ठाणे, उसके बाद नालासोपारा में ये कॉलेज है आनंद आयुर्वेदिक कॉलेज वैजापूर औरंगाबाद, धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उदगीर लातूर, मातोश्री असाराबाई दराडे आयुर्वेदिक कॉलेज नाशिक, दत्ता मेघे आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस है और इनको भी मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट MUHS एंड NCISM से मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन मिल गई है। अगर इनमें से बात करें तो जो अहमदनगर का कॉलेज है राहुरी का, वो एक टॉप का कॉलेज है। दत्ता मेघे आयुर्वेदिक कॉलेज भी एक टॉप का BAMS कॉलेज है। अगर उसके बाद बात करें SST आयुर्वेदिक कॉलेज जो संगमनेर अहमदनगर में स्थित है, सिद्धकला आयुर्वेदिक कॉलेज संगमनेर अहमदनगर, HSPMS हनुमान शिक्षण प्रशासक मंडल आयुर्वेदिक कॉलेज कोल्हापूर जो कि पेट वडगाव में कॉलेज है, राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी आयुर्वेदिक कॉलेज कोपरगाव अहमदनगर, चैतन्य आयुर्वेदिक कॉलेज जलगाव भुसावळ में एक कॉलेज है, साई आयुर्वेदिक कॉलेज औरंगाबाद, YMT आयुर्वेदिक कॉलेज खारघर नवी मुंबई, KC अजमेरा आयुर्वेदिक कॉलेज देवपूर धुळे। तो इन कॉलेजेस को भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन मिली है। अभी अगर बात करें तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में से तो सिद्धकला आयुर्वेदिक कॉलेज एंड संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज, तो ये टॉप के कॉलेजेस आते हैं। उसके बाद PMT आयुर्वेदिक कॉलेज शेवगाव अहमदनगर का है, वो भी एक टॉप का कॉलेज है। अगर बात करें राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर की, तो वो लास्ट ईयर ओपन हुआ कॉलेज है पर कॉलेज का स्ट्रक्चर पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है। और मुंबई सिटी की बात करें तो YMT आयुर्वेदिक कॉलेज नवी मुंबई, साई आयुर्वेदिक कॉलेज औरंगाबाद का कट ऑफ कम जाता है। अभी उसके बाद जो है 41 नंबर का कॉलेज है उसको परमिशन मिल गई है, साई आयुर्वेदिक कॉलेज वैराग सोलापुर, LRP आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि इस्लामपुर सांगली में स्थित है, उसके बाद डॉक्टर RJ आयुर्वेदिक कॉलेज अमरावती, डॉक्टर राजेंद्र घोड़े आयुर्वेदिक कॉलेज अमरावती। उसके बाद 44 नंबर को जिन कॉलेज को परमिशन मिली है, डॉक्टर RN लोहोटी आयुर्वेदिक कॉलेज बुलढाणा, MES आयुर्वेदिक कॉलेज खेड़ रत्नागिरी, डॉक्टर दीपक पाटील आयुर्वेदिक कॉलेज पन्हाळा कोल्हापुर। उसके बाद बात करें तो 47 नंबर का कॉलेज जिसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है पर कॉलेज का स्ट्रक्चर एंड कैंपस बहुत ही अच्छा है, SMBT आयुर्वेदिक कॉलेज नाशिक, धमनगांव में एक कॉलेज है बट कॉलेज इज गुड। उसके बाद भीमाशंकर आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे, तो ये एक बात याद रखिए, भीमाशंकर आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे ये पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर है पर उन्होंने लिखते समय पुणे में लिख देते हैं, ठीक है। तो आप और ये कॉलेज नया है खुला हुआ है तो इसका आप चॉइस फिलिंग में ज़रूर एक बार विचार कर लें।
अगर उसके बाद हम बात करें तो जो 49 का कॉलेज है जिसको परमिशन मिल गई है मॉपअप राउंड के लिए, यशवंतराव चव्हाण आयुर्वेदिक कॉलेज औरंगाबाद, उसके बाद बीआर हरने आयुर्वेदिक कॉलेज ठाणे, उसके बाद भाऊसाहेब मुलक आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, एसकेआर पांडव आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, उसके बाद बात करें संत गजानन महाराज आयुर्वेदिक कॉलेज यवतमाळ, एस वेदप्रकाश पाटील आयुर्वेदिक कॉलेज हिंगोली, उसके बाद डॉक्टर वेदप्रकाश पाटील आयुर्वेदिक कॉलेज जालना, उसके बाद जो हमने कहा था आपको पीएमटी आयुर्वेदिक कॉलेज शेवगाव अहमदनगर। तो इन 56 कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है। अभी जैसे कि हम आपको कहना चाहते हैं तो मॉपअप के लिए ज़्यादा से मतलब सब मैक्सिमम 99% बीएमएस के कॉलेजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र में 22 गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस है एंड 62-63 जो है हमारे पास प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस है। अभी उसके बाद बात करें तो 57 ईएमएस गोंदिया आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि गोंदिया में स्थित है, उसके बाद बीवी काळे आयुर्वेदिक कॉलेज लातूर, उसके बाद अगर बात करें तो एसआर चुनावले आयुर्वेदिक कॉलेज बुलढाणा, तो इस कॉलेज की फीस कम है और कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद केडीएमजी आयुर्वेदिक कॉलेज जलगांव, लेट केदारी रेडेकर आयुर्वेदिक कॉलेज कोल्हापुर गडहिंग्लज, अश्विन आयुर्वेदिक कॉलेज संगमनेर, इसका कट ऑफ कम जाता है, सप्तश्रृंगी आयुर्वेदिक कॉलेज नाशिक, शालिनीताई मेघे आयुर्वेदिक कॉलेज भंडारा। अगर जो शालिनीताई मेघे आयुर्वेदिक कॉलेज भंडारा है उसका कट ऑफ कम जाता है, ये लास्ट ईयर ओपन हुआ एक कॉलेज है, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी कम है और कॉलेज अच्छा है। वैसे अगर आपका स्कोर कम है तो आप ये कॉलेज डाल सकते हो, सप्तश्रृंगी आयुर्वेदिक कॉलेज नाशिक, ये टेक टॉप का बीएमएस कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट में एंड नाशिक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद 65 नंबर का कॉलेज है आदित्य आयुर्वेदिक कॉलेज बीड, उसको परमिशन मिल गई है, पर उस कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, 2,85,000 के आसपास उस कॉलेज की फीस है, तो आप चॉइस फिलिंग में एक बार जरूर ध्यान रखें। भाऊसाहेब मुलक आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, रामराव पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज परभणी, अशोकराव माने आयुर्वेदिक कॉलेज, तो इस तरह से ये सारे कॉलेजेस है जो कि ऐड हुए हैं। अभी 72 नंबर का कॉलेज है आयुर्वेदिक कॉलेज सायन मुंबई, डीएमएम आयुर्वेदिक कॉलेज यवतमाळ, संत गजानन वंदनाताई धोने एएसपीएम मातोश्री एंड बीएसडीटी, तो ये 78 कॉलेजेस जो है वो ऐड हुए हैं। अगर उसके बाद बीएचएमएस की बात करें तो बीएचएमएस की लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, जो फर्स्ट से 8 कॉलेजेस तक उनको परमिशन मिली है, इन कॉलेजेस की लिस्ट जैसे हमने अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रही आप देख सकते हो। जो 9th नंबर का कॉलेज है सावरकर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सातारा, गुलाबराव पाटिल एचएमसी सांगली, एसजेपीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कोल्हापूर, वेणू ताई चव्हाण होमिओपैथिक मेडिकल कॉलेज कोल्हापूर, आर आर पाटिल होमिओपैथिक मेडिकल कॉलेज सांगली, नूतन होमिओपैथिक सांगली, हौसाबाई जो कि कोल्हापूर में है, मोतीवाला होमिओपैथिक मेडिकल कॉलेज नाशिक, तो इन कॉलेजेस को भी परमिशन मिल गई है। 17th नंबर के बी ए बी ए डी एच एम सी नाशिक अहमदनगर होमिओपैथिक, काकासाहेब मस्के होमिओपैथिक अहमदनगर, एम एच एफ अहमदनगर जो कि संगमनेर में है, वामनराव इतापे संगमनेर में है, श्री चामुंडमाता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि एक जलगांव में स्थित है, उसके बाद डॉक्टर उल्लास पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव। अगर इनमें से बात करें तो काकासाहेब मस्के एंड अहमदनगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आपके लिए सबसे बेटर रहेंगे। अगर उसके बाद बात करें तो जो कि हमारे पास 25 नंबर का कॉलेज है मातोश्री असराबाई दराडे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नाशिक, डीकेएमएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, श्री भगवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, वसंतराव काळे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लातूर, श्री श्यामरावजी कदम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नांदेड, सोनाजीराव क्षीरसागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बीड, सायली औरंगाबाद, ओमर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जालना, तो ये 32 कॉलेजेस हमने बताए जिनको मॉपअप में परमिशन मिल गई है। 33 पंचशील होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बुलढाणा, एचईएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अकोला, श्रद्धा वाशिम, पीडी जैन परभणी का, गुरु मिश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जालना, महालक्ष्मी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सातारा, उसके बाद जो पीबी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर, विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ठाणे, तो इन 40 कॉलेजेस को परमिशन मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के लिए मिली है। जैसे कि बीएमएस के भी 99% कॉलेजेस ऐड हुए हैं एंड अभी बीएचएमएस के भी 40 कॉलेजेस ऐड हुए हैं। अभी आनंद भारती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नागपुर, शाही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ठाणे,
सरोज चंद्र जी पवार होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अहमदनगर, राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अहमदनगर, SSVP हिंगोली, KDMGS होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज धुळे, धन्वंतरी होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज नाशिक, फोस्टर होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, इन 48 कॉलेजेस को महाराष्ट्र स्टेट ने मॉपअप फर्स्ट के लिए परमिशन दी है पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी उसके बाद बात करें 49th नंबर का कॉलेज, तो आनंदराव कंसे होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे, TS होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अमरावती, माउली होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज लातूर, PSPM महिला होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज सोलापुर, गोंदिया होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज गोंदिया, तो इन कॉलेज को जो परमिशन मिल गई है 53 कॉलेजेस को, ठीक है। तो इन इस तरह से BMS एंड BHMS के कॉलेजेस को महाराष्ट्र स्टेट एंड MUHS ने मॉपअप फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दी है। अगर आपको कोई डाउट्स है या क्वेरीज है, फॉर डिटेल गाइडेंस आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9730898960 पर। हमारे टीम मेंबर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे काउंसलिंग में, और अगर आपको किसी भी बारे में दिक्कत हो या काउंसलिंग रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। और 1 जनवरी 2023 से हमने आपके लिए एक नया कोर्स लाया है, स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड के हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए। तो अगर आपको हमसे रजिस्ट्रेशन करवाने हैं स्पॉट के, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए 9730898960 पर, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अपनी जो स्पॉट राउंड की फ़ीस है वो 3000 रुपीज़ है। अगर आप स्पॉट राउंड के लिए इंटरेस्टेड है तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिए, आपको की हमारी टीम से ज़रूर हेल्प की जाएगी और आपकी सारी स्पॉट राउंड की प्रोसेस हमारे टीम के द्वारा ही की जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 9730898960 पर ज़रूर मैसेज कीजिए। अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड और कोई डाउट्स हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।